हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कुर्ती का ब्यूटीफुल डिज़ाइन। सबसे पहले हमें फ्लैरी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है नॉर्मल। आप इसे अम्ब्रेला में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा फ्लैरी नहीं बनाया है, इसे नॉर्मल कट करना है। बस यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसमें डिफरेंट किया है, फ्लेयर में 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है ओनली, और कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल जैसे हम कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे ही इसको कट कर लेना है। बस इसमें फ्लेयर में 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। इसके हमें 2 पीसेस कर लेने हैं इस तरह से। इसको साइड से रख लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले इसको उल्टा करके इस तरह से रखेंगे। अब इसमें नेक कट कर लेंगे। इसमें नेक की विड्थ 3 इंचेस लेंगे। नेक की डीप इसमें मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। तो इस तरह से 10 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे 10 इंचेस, और इसका आधा कर लेंगे। यहाँ से 5 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 3.5 इंचेस लेंगे, यहाँ से 4 इंचेस लेंगे, यहाँ से 3 इंचेस होगा, यहाँ से 3.5 इंचेस होगा, यहाँ से 4 इंचेस होगा। इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसमें गुलाई करेंगे। इसमें थोड़ा सा गुलाई और कर लेंगे, यहां से करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इसमें गुलाई कर लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इसको बीच से बाद में कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉम्बिनेशन का फैब्रिक ले लेंगे। ये मैंने इसमें पिंक का कॉम्बिनेशन किया है, आप कोई भी फैब्रिक का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इस तरह से रखेंगे, जो हमारा नेक का बीच का हिस्सा है उसको इस तरह से रखेंगे। यहां से इसमें 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1.5 इंचेस ऊपर तक मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 1.5 इंचेस के मार्क कर लेने हैं। अब इसको कट कर लेना है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे, और एक पट्टी को लेकर हमें एक डोरी बनाकर पीसेस कट कर लेने हैं। इसमें मैंने पीसेस को लगा लिया है। ये यहाँ से मैंने 20 से इसको कट कर लिया था, उसके बाद यहाँ से मैंने पीसेस को लगा लिया है। और ये पट्टी लेंगे, और ये पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे, ऐसे छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। अब इसको उल्टा करके आयरन कर लेंगे। इसमें सिलाई अभी नहीं लगाएंगे, इसको ओनली आयरन करके लीव कर देंगे। इसमें मैंने आयरन कर लिया है, ये देख सकते हो मैंने इसमें कोई भी सिलाई नहीं लगाई है।
अब इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें मैंने लूप्स लगा लिए हैं, इस तरह से सारे लूप्स को लगा लेना है। यहाँ पर लूप्स को यूज नहीं करेंगे, अब एक और पट्टी लेंगे और पट्टी को यहाँ से रखेंगे, यहाँ तक पट्टी को लगाएंगे, उल्टा करके आयरन कर लेंगे जैसे मैंने इसमें किया है। यहाँ पर हम पट्टी को नहीं लगाएंगे, इसमें मैंने आयरन कर लिया है और इस तरह से इसको रखेंगे। इस तरह से रखेंगे, अब इसमें ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से किनारे से इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है, ये फैब्रिक लेंगे, इसमें नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की विड्थ 3 इंचेस ही लेंगे, नेक की डीप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें मैं डीप ले रही हूँ 6 इंचेस। इस तरह से सेव कर लेंगे। आप इसको कट कर लेंगे, इसको और पट्टी के साथ कंप्लीट करेंगे। ये मैंने और पट्टी ली है, इस तरह से सीधी साइड से और पट्टी को लेंगे, उल्टे साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक को मैंने रेडी कर लिया है, इस तरह से नेक को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से इसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे, अच्छे से इसको रखेंगे, कुछ इस तरह से इनको हमें रख लेना है, नेक को मैच करते हुए रखना है। आप इसको पिन अप कर लेंगे, इसको पहले आप पिन अप कर लें तभी सिलाई लगाएंगे। को पूरा पिन अप कर लिया है मैंने, अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे किनारे से। इसमें मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर ली है, पिन को निकाल देंगे। इस तरह से इसको हमें रेडी कर लेना है, अब इसका फ्लेयर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का फ्लेयर है, इस पार्ट को लेंगे। ये मैंने पट्टी से लूप्स बनाए हैं और यहाँ पर इन लूप्स को रखेंगे, करीब 1/2 इंच ऊपर की साइड सिलाई के लिए छोड़ेंगे और यहाँ तक लूप्स लगा लेंगे। लूप्स को मैंने अटैच कर लिया है, दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसमें पूरे फ्लेयर में सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। लूप्स को मैंने लगा लिया है, अब लूप्स को इस साइड फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से मैच करके रखेंगे और यहाँ पर पिन अप कर देंगे ताकि ये हमारा जो लूप से सेंटर में ही रहे, इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसका बैक पार्ट कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक आपको दिखा देंगे। नेक 3 इंचेस का ही कट करेंगे, ये मैंने इसको रेडी कर लिया है। इसके स्लीव्स में मैंने यहाँ पर बोन लगाया है, इस तरह से इसका लुक आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।